Cheers. कहाँ पर आए फिर हम? मुश्किल है आपका नाम। तो है गाइस, वेलकम बैक एक नए वीडियो में। तो हम लोग आए हैं हैम्बर्ग से थोड़ा सा दूर, एक छोटा सा शहर है उसका नाम है श्वेरिन, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कासल है, बहुत सुंदर है। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं, और हमारे साथ एक हमारा दोस्त आया है, मित्र बर्लिन से, जो लास्ट टाइम आपने देखा होगा, मिस्टर रॉय। हाय गाइस। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पीछे की तरफ से, मतलब यहाँ सीधा ही है, 10-15 मिनट का वॉक है। तो अभी दिखाते हैं आपको, फिर दादो फिर हम आज क्यों आए? क्योंकि ध्रुव की बहुत लंबी छुट्टी है, बहुत ही लंबी। इतनी लंबी छुट्टी नहीं है, तो हमारा लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे गुड फ्राइडे, दिख रहे हो, फ्राइडे गुड फ्राइडे था, और सैटरडे संडे, और मंडे को भी कुछ है ना, मंडे ईस्टर है, तो अच्छा खासा लॉन्ग वीकेंड था। तो हमने सोचा कि हम कहीं आसपास चल के एक्सप्लोर करके आते हैं, तो इसलिए हमने रॉय को बुलाया, और रॉय कह रहा वहाँ चलते हैं। कहाँ चलना है? चलो से कुछ गानों की आवाज़ है। कितना पुराना घर है ये वाला? 1698। भाई सच में बहुत ज़्यादा पुराना घर है ये, बहुत छोटा सा। इसके अंदर कोई रहता होगा? झांक के देखे। जाओ अंदर, नॉक करके आओ। बड़ा ऐसा नहीं लग रहा, यूरोप के गांव लिटरली गांव नहीं लग रहा। यार पता है यही चीज है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि सारी सिटीज सेम है, एक एक क्या बोलते हैं उसको, कि आके लगता है सारी सिटीज ये तो सेम है, वही सेम चीज है, लेकिन बड़ी ना डिफरेंट एसेंस होती है ना ध्रुव? सारे घर बहुत अलग अलग तरीके के घर हैं, और ये वाला घर तो कुछ ज्यादा ही पुराना घर है, उसको प्रिजर्व कर रखा है। देखो ना ऊपर से भी एकदम वैसा है, ये इसकी छत भी, ये जो विंडो है ये बहुत टिपिकल ऐसे पुराना वाला फॉर्मेट है, ऐसे कलरफुल विंडोज रखना, बिकॉज पहले हमारे घर में लाइट नहीं होती थी ना, तो ऐसे कलरफुल विंडोज रखते थे ताकि सन की वजह से कमरे में थोड़ी और रोशनी आए, ब्राइटनेस आए, डिफरेंट कलर्स आए। और यूरोप में बहुत सारे बड़े बड़े फेमस चर्च की विंडोज ऐसी है। जगह बहुत सही लग रही है ना, हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, और हमारे घर से पास में ही है। जा सामने जा, खड़े हो इसके, जा रुकवा ट्रेन, अरे ट्रेन रुकवा, जाके जा। कुत्ते भाई, कुत्ते की अलग से सीट है। लगता है जो लोग हैम्बर्ग में हैं उनको यहाँ पे डेफिनेटली आना चाहिए। ल्यूनबर्ग, ल्यूबेक से मुझे बेटर लगा। हाँ, अरे कहाँ जा रहा है? हड़े 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 जा। भाई, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? मुझे लग रहा है ये बहुत बहुत फेमस आइसक्रीम है यहाँ पे। छीन ले उससे आइसक्रीम। ये बहुत छोटी सी गली है और वहाँ पीछे तक लाइन लगी हुई है, बहुत पुरानी वो कॉफी शॉप कह रहा हूँ, आइसक्रीम शॉप है शायद ये। खानी है? उसकी मम्मी मेरे को देख रही है, मैं उसकी बच्चे की आइसक्रीम देख रही हूँ। देखिए कासल, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव रीच्ड। इतना चलने के बाद अब जाके पहुंचे हैं, दिख रहा होगा शायद आपको। हर चीज मुझे कहनी है, मैं बहुत ऐसे इंस्टाग्रामी जगह पे नहीं जाती हूँ, बट ये जगह इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर फोटोज आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी फोटोज आई हैं। यू हैव टू चेक माय इंस्टाग्राम फॉर दैट। पर वो कितना सही लग रहा है कासल। कासल के बारे में मैं कहता हूँ, ये जो कासल में जो हम आए हैं, ये जो सामने जो कासल है, ये बहुत पुराना कासल है, और यहाँ ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस पर बहुत सारे बॉम्ब गिरे थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 में, मतलब काफ़ी बॉम्बिंग हुई थी इस पर, और ये अभी भी एकदम बढ़िया सही सलामत है। इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर भी किया आई थिंक, बट बाकी अंदर चल के देखते हैं। अंदर जाने की टिकट होगी ना इसकी? देख लेंगे। चलो, यहाँ पे म्यूज़ियम भी है सामने वो, और देखो वो पूरा पानी है इसके पीछे, और इसके पीछे ग्राउंड भी है। कितनी सही जगह है, यहाँ पे ये पूरा कासल है, पूरा गोल गोल हम घूम के जा रहे हैं, और ये साइड में सारा का सारा पानी, यहाँ पे बैठो थोड़ी देर कितना मजा आएगा, और फिर पानी में गिर जाओ। ये बैकयार्ड है, पीछे पीछे का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस तो होता है जिससे हम आए थे। भाई कितना पुराना पेड़ है भाई साहब, डरावना लग रहा है तो। और एक सेकंड, और जो तू इतना पुराना थे तो डरावना नहीं लगता? और तू तो लगती है, तू तो नहीं है, तू तो नहीं है, तब भी लगती डरावनी, क्या फायदा। यहाँ पे म्यूजियम है और पार्लियामेंट है, और अंदर से ऐसा है, अंदर जाके नहीं दिखाओगे क्या? चल ना, कैमरे पे नहीं बोला मार के हैट्रिक कर दूंगा, अब बोल रहा हूँ तेरे को मार के, तेरी हैट्रिक कर दूं 3 बार मार के। बीए रिकॉर्ड कर रहा है, अंदर आ गया, वो भी अपनी बीवी के साथ अच्छे से। इधर आ, ओ इधर आ।
याद आ रहा है, मोर नाच दिखा मोर की तरह। मेरे को एक और गाना याद आ रहा है, आमी जी तुम। कासल ही बंद है भाई, आज नहीं घूम सकते अंदर, वो टिकटॉक बना रही है। हॉस्ट हो गया हम यहाँ पे, बड़ी चल चल के इतनी मुश्किल से, और यहाँ से ये व्यू है जो कि ठीक ठाक है। गर्मी में ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये पूरे पौधे उग जाएंगे ना, जैसे पोलो खा के ठंडी ठंडी सांस आती है ना, वैसे आ रही है। चलें फिर अभी, चलो आइसक्रीम खाने। कैसी है? अच्छी खुशबू आ रही है। अभी खाली हो गया है पूरा, तो बहुत लंबी लाइन लगी थी, आई थिंक सब धूप थी शायद इसीलिए, और अभी हम आए तो पूरा खाली हो गया भाई। बहुत सही है, क्या बात है, इसका चॉकलेट बहुत सही है। तूने कोकोनट नहीं डलवाया? नहीं। चॉकलेट सो गुड। पूरा कासल घूम के हम गए थक, तो इसलिए हम आइसक्रीम खा रहे हैं, और हम छोटी छोटी गलियां घूमने आए हैं अभी घर। पर वैसे बहुत बड़ा कासल था, हम काफ़ी चले, और अभी हमारी ट्रेन है थोड़ी देर में। अच्छा कासल था, मतलब यहाँ पे आप लोग डे ट्रिप्स के लिए आ सकते हो, हैमबर्ग से 1.5 hours दूर है बस। सुबह सुबह आओ, मतलब 9-10 बजे आओ, और पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करो, और बहुत अच्छा होगा। गेट योर मैट, स्पीकर, सम फूड, अगर फूड नहीं था यहाँ पे एडिका वगैरह, गेट योर सैंडविचेस, सम ड्रिंक्स एंड जस्ट। अच्छा है, मतलब चिल, रिलैक्स। जिस दिन अच्छा सनी डे हो उस दिन आओ तो बहुत मजा आएगा। हम भी आज धूप थी तो आए थे, अभी तो धूप चली गई, बारिश होने वाली है अब तो, और सीजन है अभी। हाँ, समर्स आ रहे हैं अभी, तो मस्ट विजिट वाली जगह। और बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन यूज योर व्हाट टिकट, डॉयचलैंड टिकट। डॉयचलैंड टिकट पता होगा, जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता होगा डॉयचलैंड टिकट, बट जिसको नहीं पता, वो डॉयचलैंड टिकट एक टिकट है जो पूरे जर्मनी में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी ट्रेन में, बस जो फास्ट वाली ट्रेन होती है उसमें यूज़ नहीं कर सकते, जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाती हैं दूर दूर, 4-5 घंटे। हाँ, ये 50 यूरो की टिकट होती है जो मंथली होती है, तो इसको आप यूज़ करके जा सकते हो फ्री में। अभी हम लोग निकल रहे हैं, और हम प्लान कर रहे हैं कि हम अभी चले जाएँ हैमबर्गर डोम, जो हैमबर्ग जाके, हाँ हैमबर्ग जाके, हैमबर्गर डोम जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी जिसमें झूले लगे हुए थे बहुत सारे, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आज झूले में बैठेंगे हम, और हम आ गए हैं फ्राइड राइस, फ्राइज खाने के लिए। ये हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, फ्राइड राइस की फ्राइज बहुत अच्छी है, तो लास्ट टाइम आपने वीडियो देखी थी वो वाले फ्राइज। पहुँच गए वो, देखो अच्छा लग रहा है बाकी, वापस हैमबर्गर डोम मजा आ रहा है वापस यहाँ पे आके। आई तो लव दिस प्लेस। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? से पूछो उसको कैसा लग रहा है। धागत उसका मन नहीं है यहाँ आने का, उसको डर लग रहा है, यहीं लेके जाएंगे। चलो इसी में चलते हैं। अरे इतना तो आसान है, देखियो कुछ भी नहीं है। चलो चलो इसका फिर से नहीं निकल रहा। कह रही है घर चलते हैं, ट्राई तो करो, निकल जाएगा। गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोगों ने आज फिर से कुछ जीता नहीं है। कुछ कहना चाहोगे? निमिषा कह रही है कि अब आज के बाद ध्यान नहीं आएगी। बता अब मेरी बात मीडियम ना, जल्दी बता, अब मैं आऊंगी नहीं यहाँ पे कभी। क्यों, क्यों नहीं आएगी? कुछ निकला नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मतलब इतनी वो वाली शर्मीलो वाली नहीं, लानत मतलब, है वो। हाँ, वो लानत वाली शर्म आ रही है। सब लग था आपका, यहाँ कभी नहीं होता, यहाँ लग जाएगा। कंट्री वंट्री की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लाया है मेरे को, मैं नहीं आऊंगी अभी। कोई बात नहीं, बता। चलो ठीक है, हम लोग फिर घर जा रहे हैं अभी।